हाल ही में बनाए जा रहे हैं, 171 फुट का है, सबसे ऊंचा है और इसमें खर्चा भी बहुत ज्यादा है, 20-30 लाख का तो दोस्तों इस पे खर्चा कर रखा है। और ये देखिए स्टेज, यहाँ पे इसी स्टेज के ऊपर ये रामलीला की जाती है। दोस्तों एक बार आपको दिखा देता हूँ, मेले से बिल्कुल पास में वो रावण है, यहाँ से आपको दिख भी रहा होगा दोस्तों वो रहा, जैसे पिछली बार मैं आया था लाल किला बना रखा था, इस बार बना रखा है हवा महल। हेलो दोस्तों, मैं मनजीत मुंद्रा, आशा करता हूँ आप सब अपनी जगह ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपको देखिए दोस्तों क्या दिखाने लाया हूँ, लंकापति रावण। और ये देखिए दोस्तों इतना बड़ा बना रखा है ना, यहाँ सेक्टर 5 पंचकुला में लोकेशन है और वो शालीमार मॉल है, उससे भी कहीं ज्यादा ये बड़ा बना रखा है जो कि मैं दिखाने लाया हूँ। और मतलब इस चीज को ना, और यहाँ पे 24 तारीख को यहाँ पे ये अपना रावण का दहन किया जाएगा, तो 24 तारीख को आप यहाँ पे आ भी सकते हैं। और ये देखिए कितना बड़ा ये हुड्डा ग्राउंड है, तो दोस्तों ये यहाँ पे आना तो बनता ही था, ये चीज दिखानी भी बनती थी। और बाकी मैं आपको दशहरा मेला भी दिखाऊंगा और इसके बारे में अभी दिखाता हूँ। तो ये देख लो भाई, यहाँ पे साइड व्यू भी दिखा देता हूँ यहाँ पे रावण का आपको। और एक चीज और बता देता हूँ बहुत काम की, ये 171 फुट का है दोस्तों, जो कि विश्व में सबसे बड़ा है। कुछ साल पहले 200 फुट का बनाया गया था, मगर जो कि अभी हाल ही में बनाए जा रहे हैं 171 फुट का है, सबसे ऊंचा है और इसमें खर्चा भी बहुत ज्यादा है, 20-30 लाख का तो दोस्तों इस पे खर्चा कर रखा है। यहाँ पे दशहरा पे रावण दहन जब होएगा ना, तो यहाँ 24 तारीख को जरूर आना दोस्तों। कोई बात नहीं भाई, एक और हो जाएगी। तो ये देख लो भाई, यहाँ रावण के सामने यहाँ पे ये फ्लिप करके दिखाएंगे, तो एक बार इन भाइयों की फ्लिप देख लेते हैं किस तरह से करेंगे। ये देखो भाई गजब, रावण देखने आए थे तो इस तरह से यहाँ पे ये कर रहे हैं, तो ये भी देखना बनता ही है भाई। जैसे कि हम बचपन में अपने रामलीला देखने जाया करते थे, रामलीला होया करती थी बचपन में, और यहाँ पे भी ये लगाया हुआ है रामलीला का, तो यहाँ पे आगे देख सकते हैं उनकी कथाएं सुनने को मिलेंगी, काफी मतलब सुकून मिलता है, तो ये चीज भी देखना बनता है दोस्तों। और ये रावण स्पेशल इसी को देखने आए थे, अभी मेले के अंदर चलेंगे तो दोस्तों वीडियो में बने रहना, वो भी दिखाते हैं। तो दोस्तों ये यहाँ पे बिल्कुल जस्ट उसी से लगते हुए यहाँ पे स्टेज भी बना रखा है, इसमें रामलीला भी होती है। शाम को अगर यहाँ पे आएंगे ना, आपको पूरी रौनक मिलेगी, यहाँ पे चेयर वेयर ये जितनी भी लगी हुई है ना, सारी भरी होती है उस टाइम, बच्चे बूढ़े सारे लोग देखने के लिए आते हैं। यहाँ 5 पंचकुला में आप भी आ सकते हैं देखने के लिए, पता भी होना चाहिए पुराने समय में कैसे क्या कुछ हुआ था, तो वही चीजें देखने के लिए यहाँ रामलीला देखने आते हैं। और तारीख के हिसाब से वहाँ पे लिखा भी हुआ है कि क्या क्या मतलब यहाँ पे प्रोग्राम होएंगे उस तरह से, वो भी दिखा देता हूँ एक बार आपको चल के। तो ये देख लो भाई, यहाँ पे डेट्स भी लिखी हुई है और क्या क्या होएगा यहाँ पे। 22-10 को रावण अंगद संवाद दोनों की बातचीत होगी, और 23 तारीख को कुंभकर्ण व मेघनाथ के बारे में, और 24 तारीख को शालीमार ग्राउंड में रावण वध, जो कि मैंने अभी रावण आपको दिखाया ना 171 फीट का सबसे ऊंचा, तो उसका वध 24 तारीख को होएगा दोस्तों, और रावण दहन होएगा उस दिन। और ये देखिए स्टेज, यहाँ पे इसी स्टेज के ऊपर ये रामलीला की जाती है दोस्तों। और अभी चलते हैं हम जल्दी से अंदर की तरफ। तो दोस्तों ये पहुंच चुके हैं हम मेले में, जैसा कि मैंने आपको बताया था। और ये देखिए कितना प्यारा गेट बना रखा है इन्होंने, और ये सेक्टर 5 में बिल्कुल उससे जुड़ा ही हुआ है, तो यहाँ पे आना भी बनता ही है। और टाइमिंग यहाँ पे आपको खुला ही मिलेगा, सुबह से लेके रात तक ये 8-9 बजे तक आपको खुला मिलेगा, टिकट काउंटर वो रहा दोस्तों, और 30 रुपीज की टिकट है। एक बार आपको दिखा देता हूँ, मेले से बिल्कुल पास में वो रावण है, यहाँ से आपको दिख भी रहा होगा दोस्तों वो रहा, तो वही रावण मैंने अभी आपको दिखाया। और ये साइड में रामलीला क्लब जहाँ पे रामलीला हो रही है, और यहाँ पे ये मेला लगा हुआ है, तो दोस्तों यहाँ पे आना तो बनता ही है। एक बार अंदर देख लेते हैं क्या क्या कुछ हटके हमें अंदर मिलेगा, चलो दोस्तों आ जाओ। तो दोस्तों ये देख लो, ये जो यहाँ पे गेट बना रखा है ना, जैसे पिछली बार मैं आया था लाल किला बना रखा था, इस बार बना रखा है हवा महल, जो कि बिल्कुल गजब लग रहा है। मगर रात को आके आप देखोगे ना, रात को तो इतनी लाइट हो जाती है यहाँ पे, बिल्कुल रौनक हो जाती है। तो इसका पूरा व्यू देख लो, ये बनाने में ना कई लाख का खर्चा आ जाता है यहाँ पे। तो ये हवा महल यहाँ पे बना रखा है एंट्री गेट पे, और अभी अंदर की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या क्या मिलेगा अभी। तो यहाँ पे दोस्तों जो ये मेला लगा हुआ है ना,
इसमें ये जो पेरिस व्हील है ये देखिए कितना बड़ा बना रखा है। और इसमें प्राइस बता दूं आपको, टिकट प्राइस है 80 रुपए, जो कि आप लेके ये झूल सकते हैं। और अभी स्टार्ट कर दिया, मैं तो पहले मेलों में झूल रखा हूँ, तो दोस्तों मैं तो झूलूंगा नहीं, मगर आपको इन्फॉर्मेशन जरूर दे दूंगा। और दूसरा ये देखिए सिप वाला झूला, तो इसका भी प्राइस 80 रुपीज ही है, वो भी देख सकते हैं, तो ये भी झूल सकते हैं अगर झूलना चाहो तो। और तीसरा है वो कप वाला, तो वो भी झूल सकते हैं, ओपन है, मतलब यहाँ पे 4-5 इस तरह के बड़े बड़े झूले हैं जो कि आप फुल एंजॉय कर सकते हैं। तो भाई यहाँ मेले में आने के बाद ना यहाँ पे आप गेम भी खेल सकते हैं, यहाँ पे अलग अलग वैरायटीज की गेम है। सबसे पहले ये पहली गेम ही पूछ लेते हैं कि क्या रूल है, क्या सिस्टम है, भाई इनके बारे में बता दो थोड़ा सा। सर आपको 6 बॉल मिलेगी। अच्छा ये 6 बॉल समय मिलेंगी, ये समय फिर क्या करना होता है? सर आपको एक एक करके नंबर्स में डालनी है। ठीक है, तो इन नंबरों में डालनी है, मतलब इस तरह से आपने ये बॉल डालनी है, और जितना मुझे पता है इनका जो टोटल होएगा उसी का वो उसका आपको प्राइज मिलेगा सर। तो देख लो भाई, आधा तो मुझे पता ही था, पहले खेल रखी है ना। और ये भी खेल सकते हैं भाई, यहाँ पे आके बॉल्स मिलेंगी और अपना फन करें अपना यहाँ मेले में आगे। और सेकंड ये देख लें यहाँ पे, ये है सूट वाली, ये भी देखते हैं अभी। तो भाई ये देख लो यहाँ पे ये बंदूक रखी है ना, एक बार ये तो देख ही लेते हैं भाई इसका क्या सिस्टम है, जैसे ये किसी को गेम करनी हो तो। सर इसका ये सिस्टम है कि बंदूक से ये माचिस गिरानी है। ठीक है, तो भाई एक बार एक गोली तो मरवाई दो, देखते हैं कुछ गिरेगा भी या नहीं गिरेगा। जी सर। तो देख ले भाई इस तरह से ये यहाँ पे ये लगा दिया गया है, और एक शूट करके देखते हैं लगेगा नहीं है, निशाना कैसा है अपना। जी सर। तो ये देखते हैं इसी तरह लगेगा। जी सर। और ये वाला, ये वाला। अच्छा अच्छा, उत्तरी क्रम्बल, क्रम्बल पे लगी है भाई, चॉकलेट पे। तो भाई इस तरह से ये गेम भी खेल सकते हैं, मजा आता है शूट करने में। और देखते हैं आगे, और भी गेम लगा रखी है इस तरह से, 4-5 गेम में यहाँ पे लगा रखी है जो कि आप खेल सकते हो मेले में आके, हैं मेले की रौनक को और ज्यादा बढ़ा सकते हो भाई। तो देख ले भाई यहाँ पे सबसे पहले ये कंचे वाली बोतल, जो कि बत्ता भी बोल देते हैं, कई तरह के नाम है। और क्या प्राइस है सर इसका? 40 रुपीज। तो 40 रुपीज है भाई, पहले 5-10 रुपए में मिलता था, मगर जैसे कि महंगाई बढ़ी है तो ये तो बढ़ना ही है, प्राइस तो बढ़ना ही है, साफ सी बात है। तो ये भी ले सकते हैं मेले में। और देख लेते हैं क्या है यहाँ पे, ये देख ले भाई यहाँ पे राम लड्डू भी मिल सकते हैं। और ये देखिए इस तरह से ये उतारे जा रहे हैं, बिल्कुल करारे बन जाते हैं भाई, ये भी खा सकते हैं अपना यहाँ पे आके। और देख लेते हैं मेले में क्या क्या है। ये अपने पास यहाँ पे पाव भाजी भी यहाँ पे मिल जाएगी, पाव भाजी बिल्कुल ताजी फ्रेश बनाई जा रही है। ये देखिए गुलाब जामुन गरम गरम, तो ये खाना भी बनता ही है भाई मेले में आके। और ये मोमोज ये देख ले भाई, और ये देख लें ये यहाँ पे दिल्ली की मशहूर चाट भंडार बना रखा है, यहाँ पे भी मतलब सारी वेराइटी आपको मिल जाएंगी, चाउमीन, ये चीजें जो भी इन चीजों के शौकीन है ना, तो वो ये यहाँ पे आके खा सकते हैं। तो क्या प्राइस स्टार्ट है भाई अपने पास यहाँ पे? चाउमीन है, फिंगर है, बर्गर है। तो अपने पास क्या प्राइस की स्टार्टिंग है यहाँ पे? अच्छा अच्छा, तो 50 रुपए में स्टार्टिंग है, मतलब आप कुछ भी यहाँ से ले सकते हैं, सिर्फ 50 रुपए में मिल जाएगा, 50 रुपए तो कोई महंगा नहीं होता। तो मेले में जो भी खाना था वो भी दिखा दिया दोस्तों, अभी चलते हैं आगे। ये देख लें इस तरह से यहाँ पे ये बलून भी बना रखे हैं, जिसके अंदर ये बच्चे खेल रहे हैं, घूम रहे हैं, कैसे ऊपर नीचे गिर रहे हैं। और ये देखिए ट्रांसपेरेंट है, तो इसलिए आपको अंदर दिख भी रहा होगा ये। और बिल्कुल इसी के जस्ट साइड में ये ट्रैम्पोलिन बना रखा है, तो ये ट्रैम्पोलिन और ये मतलब बच्चों के लिए यहाँ पे मेन बना रखा है। पूरा मेला मैंने आपको दिखा दिया, हवा महल का गेट लगा रखा है जो कि दिखाना बनता था, वो भी दिखा दिया मैंने। और बिल्कुल जस्ट इसी के साथ में लगता हुआ है ये रावण का पुतला, जो कि 171 फुट है, और उसी का दहन होएगा 24 तारीख को। और रामलीला देखने के शौकीन हो दोस्तों, वो भी आप देख सकते हैं यहाँ मेले के बिल्कुल जस्ट साइड में, स्टेज मैंने आपको दिखा दिया है, और क्या क्या उसमें चल रहा है वो भी बता दिया है। और पूरा मेला कवर करने के बाद दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे दोस्तों नेक्स्ट व्लॉग में।